Assalamualaikum and welcome back to another day, another vlog. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, मजे में. सर्दी इतनी लग रही है ना, मतलब बोला भी नहीं जा रहा है. और अभी तो जो है ना सुबह हो गई, फॉग तो अभी भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन हम अभी नहीं उठे. हम जब उठे थे उस वक्त अंधेरा हो रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ी, टीथ ब्रश किया मैंने, और अभी जो है ना बस मैंने व्लॉग स्टार्ट किया. ठीक है जी, तो जैसे ही हमारी आँख खुली, लाइट यहाँ पे नहीं थी, पानी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाड़ी के अंदर जो पानी रखा हुआ था वो सारा इस्तेमाल किया, वरना तो हम बुरी तरीके से फंस जाते. और यहाँ पे देखें अभी भी लाइट नहीं है, सन्नाटा है. पूरी रात आपके भाई ने बताया कहाँ गुजारी है. देख यहाँ पे जहाँ पे भी फरहान भाई सो रहे हैं ना, यहाँ पे हमने रात गुजारी है. इस वाली चारपाई पे आपका भाई सोया हुआ था. ठीक है जी, और फरहान भाई ने बोला कि मैं तो गाड़ी में सोऊंगा, तो फरहान भाई आराम से गाड़ी में सोए थे भाई. और रात वैसे बड़ी सुकून की नींद आई, तीन चार बार आँख खुली थी, लेकिन ये कि नींद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून की आ गई थी. अब देखते हैं भाई दिन स्टार्ट कब होगा हमारा, कब हम सफ़र स्टार्ट करेंगे, जब थोड़ी सी फॉग कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो जो है ना विजिबिलिटी जीरो ही चल रही है. और पता नहीं है किस स्पीड में जा रहे हैं, ये देखें किस स्पीड में जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी. जब मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ ना, उस वक्त फरहान भाई आए चारपाई पे, बोला यार अब मैं जो है ना यहाँ पे थोड़ी देर जो है ना आराम करता हूँ. फरहान भाई सफर स्टार्ट करना है, भजन क्या हो गया, आगे चलना है, उड़ जाए. फरहान भाई की तो जो है ना यहीं पे बस हो गई मुझे लगता है. भजन ये फॉग वॉग कितने दिन से है यहाँ पे, ये धुंध कितने दिन से है यहाँ पे इस तरह? ये दो तीन तीसरा दिन है. अच्छा जी, अच्छा जी. तो ये कितने बजे अभी जो है ना ये सही हो जाएगा आसमान? 8-10 बजे तक. और फिर वो सीपे वाला भी खुल जाएगा रोड. अच्छा जी फरहान भाई, चाय पीनी है? भाईजान इनकी खिदमत में चाय पेश की जाए यार, जजाक अल्लाह. फरहान भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, अभी तो उससे आगे जाना है, बर्फीले पहाड़ देखने हैं आपने भाईजान. यहीं से कराची डायरेक्ट. माशाल्लाह माशाल्लाह, गर्मा गर्म पराठा आ गया है और ये चाय आ गई है. फरहान भाई और क्या चाहिए आपको यार, इतने प्यारे मौसम के अंदर यार पराठा चाय आप एंजॉय कर रहे हैं यार. नहीं नहीं फरहान भाई सोचेंगे यार, मैं वीआईपी पॉपसिकल पे ही सही था यार, मैं रोजाना रात को कम से कम घर तो जाता था. फरहान भाई यही सोच रहे हम. धुआं चेक करें, मुंह में से धुआं निकल रहा है. सर्दियों में से मुंह में से धुआं निकले यार, मेरा भी निकल रहा है धुआं. आपका तो चाय में से निकल रहा है धुआं. चले यार पराठा जो है ना ट्राई करते हैं, यहाँ का पराठा कैसा है. फरहान भाई तो आधे से ज्यादा पराठा निपटा चुके हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पराठा अच्छा है. अब भाई थोड़ी देर लेट गए यहाँ पे सही, और वेट कर रहे हैं कि बस धूप निकल जाए. चले यार मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा गर्म होने में पूरी रात जो है ना हल्की फुल्की बारिश भी चलती रही है, तो अच्छा हुआ कि तरपाल से जो है ना हमने अपना सामान कवर किया हुआ था, तो बचत हो गई, वरना तो देखे पंगा हो जाता. और अच्छा हुआ कि इस दफा फर्स्ट टाइम हमने ब्लैंकेट और तकिया ले लिया, वरना आज रात को हम लोग चारपाई पे कैसे सोते. तो अल्लाह का करम है कि सारी चीज अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है. अभी गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना, तो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं रोड पे, देखते हैं कि क्या पोजीशन है. अब जो है ना सुबह के 8 बज गए हैं, अब फाइनली हम लोग अपना सफर स्टार्ट करने लगे हैं. फॉग तो अभी भी है, देखें सामने आते हुए ट्रक नजर आ रहे हैं, नहीं सिर्फ लाइटें शाइटें उनकी नजर आ रही है. कोशिश यही रहेगी कि आज हम किसी प्रॉपर होटल में रात गुजारे इंशाल्लाह. गुजारनी पड़ेगी मुसाफिर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. यार देखें आपके भाई के पास जो है ना एक्सपीरियंस हो गया है बादलों में गाड़ी चलाने का, सही है. तो मैं सोचा कि अब जो है ना पायलट बन जाता हूँ, अब जो है ना एमिरेट्स चलाएंगे हम लोग. सर ये फॉग ने तो पकड़ लेगी, कब जाएगी भाईजान? ये जब तक धूप नहीं निकलती ना तब तक तो फॉग जाने का नाम नहीं लेगी. अभी 8:15 बज रहे हैं, मुझे लगता है कि 9-10 बजे तक शायद जो है ना धूप निकल जाए और फॉग चली जाए. अरे सूरज निकल आया है, वो देखे लेकिन छुपा हुआ है, सही से नजर नहीं आ रहा है. अरे भाई बाहर निकलो जल्दी, तुम्हारी बड़ी डिमांड है आज भाई. बकरीद की यादें ताजा हो गई है, देखे भाई गायें भाग रही है, गायें भागने वाली कर रही है. जानवर जा रहे हैं भाई, देखें ट्रक के ट्रक भरे हुए हैं, ये देखें मवेशी सारे इस ट्रक में भी, इससे अगले ट्रक में भी, और उससे अगले ट्रक में भी. भाई ये देखें ये चारों आपस में बातें करी होंगी, यार ये तो मुस्तफा जा रहा है सामने. आऊंगा आऊंगा बकराईद में इंशाल्लाह, सौदा करेंगे सौदा. क्या मतलब फरहान भाई हम लोग कल से निकले हुए और अभी तक मुल्तान ही नहीं पहुंचे यार, है ना? तो हम इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और उससे आगे कब पहुंचेंगे? ये देखें भाई मोटरवे अभी तक बंद है, ये सारे ट्रक जो है ना वेटिंग में खड़े हुए हैं क्यू में, ये ऊपर मोटरवे है सारा, ये बंद है. फरहान भाई क्या रिपोर्ट है बताएं जरा, मोटरवे खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे? 10 बजे तक. ओए होए 9:48 तो हो गए, या अल्लाह तेरा शुक्र, बस खुल जाए जल्दी. मोटरवे खुल गया है लगता है, और इसी खुशी में बच्चा ढोल बजा रहा है. फरहान भाई सबको जो है ना बिस्किट उस्किट खिलाए, मिठाई खिलाए भाई, मुबारक हो आप लोगों को, मोटरवे खुल चुका है भाई. मतलब इतनी देर हो गई थी मैंने ये टेढ़ा डंडा नहीं देखा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था. अभी जैसे ही मोटरवे पे आया ना ये डंडा देखे फिर टेढ़ा हो गया यार.
सुकून मिला यार 120 की स्पीड में गाड़ी को देख के। भाई मुल्तान में हमारा प्रॉपर स्टे नहीं हो सका, जहाँ पे हमने फरहान भाई के लिए बुकिंग कराई थी ना वो काम नहीं हो सका, तो अब जो है ना डायरेक्ट इस्लामाबाद जाके रुकेंगे इंशाल्लाह। और लेट्स सी, कोशिश करते हैं अगर इस्लामाबाद में कोई वीआईपी सेटअप हम फरहान भाई के लिए कर सके तो। सर्विस एरिया आ गया भाई, यहाँ से डीजल डलवाएंगे हम। हम तो जज्बाती हो गए थे, ये सर्विस एरिया तो अभी तक आबाद ही नहीं हुआ, ये पेट्रोल पंप अभी ऑन नहीं हुए हैं। गुड बाय मुल्तान। अब यहाँ से डाइवर्जन आ रही है भाई सीधे हाथ पे लाहौर, और स्ट्रेट चले जाएंगे तो इस्लामाबाद और फैसलाबाद। सही है भाई, तो ये इस्लामाबाद के लिए हमने यूँ रखना है भाई। देखें झंग पे जो है ना हमने एग्जिट ले लिया, इसकी वजह यह है कि डीजल की लाइट जल गई। देखें और दो पेट्रोल पंप पीछे गुजरे लेकिन वो दोनों ऑपरेशनल नहीं थे, मतलब अभी उनके ऊपर काम चल रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई बाहर उतरते हैं जरा डीजल वीजल लेके आते हैं। देखें फरहान भाई एमटेक का मैजिक देखें, ये देखें ये खुलेगा अभी, ये खुलेगा, ये देखें ये देखें, खुल जा भाई, वेरी गुड। चले जी, ये अपना काम आसान हो गया है और यहाँ पे हमको मिल गया है पेट्रोल पंप। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना 2 रुपए महंगा मिल रहा है। एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, अल्लाहु अकबर। दोपहर का इस वक्त 1 बज गया है, हमने गाड़ी जो है ना ठीक ठाक तबीयत से खींची है सही, और अभी जो है ना सीन स्टार्ट हो गया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का। अरे भाई सरगोधा के पास से हम लोग गुजर रहे हैं और सामने कीनू ही कीनू नजर आ रहे हैं। फरहान भाई वापसी जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। हाँ कीनू खाएंगे, जरूर खाएंगे वापसी में, यहाँ के कीनू बेस्ट कीनू होते हैं जी। सकलन भाई डन हो गया, ये टिकट ओके बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं सबको बताएं तो सही। अरे अभी नहीं बता सकते भाई, ये सरप्राइज है, थोड़ा रुके जरा सबर करें, मतलब कोई इंटरनेशनल सीन होने वाला है यार। फरहान भाई देख रहे हैं इस्लामाबाद वाली वाइब्स आने स्टार्ट हो गई है, पहाड़ वहाड़ आ गए भाई, फुल माहौल बन गया है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है फरहान भाई, हाय हाय अभी तो ब्यूटी आगे है। अब फरहान भाई जो है ना वीआईपी जो हमारे पास बिस्किट्स आए हुए थे ना उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उनका दिल कर रहा है कि भाई ये वाले बिस्किट्स ट्राई किए जाए। फरहान भाई खाएं और फिर रिव्यू दें कि कैसे लगे बिस्किट्स आपको। ठीक है जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह करें। कैसा है, अलग है ना, मतलब कुछ डिफरेंट लग रही है ना चीज। वैसे मेरी डाइटिंग खराब होती है बिस्किट खा के, लेकिन यार अब खोल ही लिया इन्होंने मेरे सामने तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ रुकता नहीं मेरे आज बिस्किट के ऊपर। कितना खूबसूरत रास्ता आप ये देखें यार, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, बीच में से रास्ता जा रहा है, और सबसे प्यारी बात पता है क्या लग रही है कि पहाड़ ग्रीन कलर के। ये जो ग्रीनरी होती है ना इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यार इंसान की तबीयत पे, मतलब तबीयत ही खुश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, देख लें भाई वेलकम टू इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी। देखें फरहान भाई भी शुक्र अदा कर रहे हैं, हम भी शुक्र अदा कर रहे हैं, और आज तो जो है ना सफर हमारा बहुत ही मुख्तसर हो गया था, रास्ता छोटा हो गया था, अल्लाह का बहुत करम है। एक्सप्रेस लेन के अंदर आप जाएं, कैश लेन में जाने की जरूरत नहीं, फुल चौड़े हैं मतलब, क्योंकि एमटेक लगवाया हुआ है। एमटेक बोलेगा अरे सर कैसे हैं, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे हम, चलो भाई खुल जाओ, वेरी गुड भाई। फरहान भाई मुझे 2 दिन से कह रहे थे कि मुस्तफा भाई इस्लामाबाद पहुंचूंगा ना तो मुझे वो बीफ बन्नू पुलाव और चपली कबाब खिलाइएगा। हाँ भाई क्रेविंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, अभी आपकी क्रेविंग पूरी कराते हैं, आ गए द मलंजान दे द बन्नू पुलाव दे। चलें भाई, ये बंदे ने जो है ना दरवाजे के ऊपर देखें कितना खूबसूरत चांद सितारा बनाया हुआ है, खोल दो भाईजान खोल दो, भूख बहुत लगी है, टाइट भूख लगी है भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भाईजान, थैंक यू थैंक यू। चलें जी, अभी जो है ना थोड़ा सा अपनी भूख पे और ओवर ईटिंग पे कंट्रोल करके खाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आ जाए भाई। पहले जो है ना बड़ा सादा सा सिंपल सा सिटिंग एरिया होता था, अब इन्होंने जो है ना शशके वाला बना दिया, देख रहे हैं फुल वीआईपी कर दिया। वाह भाई वाह, इन्होंने तो फुल शशके वाला सीन कर दिया, आप देखें भाई बेहतरीन हो गया। फरहान भाई अभी जो साफ साफ बोटी आने वाली पुलाव के अंदर, आये हाय हाय मजा आ जाएगा। ये चेक करें भाई अपना सेटअप आ गया है, आधा किलो फरहान भाई के लिए मंगवाया, आधा किलो हमने अपने लिए मंगवाया, और ये आ गए वजन 2 अदद चपली कबाब, और ये आ गया वजन पुलाव। फरहान भाई बिस्मिल्लाह पढ़े, आसरा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। और देखें आपका भाई को सबसे पहले क्या चाहिए होता है पुलाव के अंदर, ये देखें साफ बोटी, देख रहे हैं बिल्कुल साफ बोटी, इसके ऊपर चम्मच रखेंगे ना, ये देखें ये गई बोटी, समझ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी फरहान भाई ओके की रिपोर्ट है, मज़ा आ गया। ये आगे भाई अपना चपली के बाद, आए हाय 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 फुल जूसी।
एक निवाला जो है ना आपका भाई, ये देखें, ये बीफ बोटी आ गई और ये चपली कबाब का एक पीस डाला पुलाव के साथ, और ये चावल आ गया, ये भी ट्राई करेंगे। चपली कबाब के साथ पुलाव भी मजा कर रहा है। जैसे ही वजू करके निकला तो यहाँ दो भाइयों से मुलाकात हुई। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? यहीं होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं आप लोग? अच्छा, चलें, जबरदस्त है। ये फॉलो करते हैं हमें, हमारी वीडियोस देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यार मिलके आप लोगों से। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। ये ले भाईजान, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, यहाँ पे हमने खाना खा लिया, मतलब इस सफर का अभी तक का सबसे टेस्टी खाना यही था भाईजान, आगे भी खाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। चले जी, खाना वाना खा के अब हम फ्री हो गए हैं और सड़क के किनारे हमने जो है ना गाड़ी लगा दी है, डबल इंडिकेटर ऑन कर दिया है। अब जो है ना आज रात को रहना कहा है, इसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ यार। आप लोगों ने भी कोई दावत आवत नहीं दी है, क्या करें? आज गाड़ी में सो जाए? आज नहीं सोऊंगा गाड़ी में। आज नहीं सोएंगे? वीआईपी सेटअप चाहिए कोई? यार वीआईपी सेटअप के लिए फिर कुछ कॉल्स घुमानी पड़ेगी। घुमाओ कॉल वॉल घुमाओ। चले आप फिर जो है ना कोई अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करने के लिए कॉलें शॉलें घुमानी पड़ेंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इसको टू भी कंटिन्यू करते हैं। दुआ करें जल्दी से कोई वीआईपी किस्म का अरेंजमेंट हो जाए, तो अगले में आपसे वहीं मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।